फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके सामने टोमेटो सूप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही इजी मेथड है जो मैं बताने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसके लिए क्या चाहिए। यहाँ पर मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं और इसको रफली चॉप कर लिया है। इसको बहुत बारीक नहीं काटना क्योंकि इसको हमें उबालना है इस तरह से। और सूप में डालने के लिए यहाँ पर मैंने दो गाजर ले लिए जो मीडियम साइज़ के हैं। इसको भी रफली चॉप कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से इसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि एक प्रेशर कुकर के अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और 1 टेबल स्पून मक्खन डाल देंगे। तेल हम इसलिए डालते हैं कि मक्खन इसमें जले नहीं। अब इसके अंदर 2 पत्ते लिए, तेज पत्ते लिए और एक दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है। अब इसके अंदर हम एक मीडियम साइज की प्याज काट के डाल देंगे। उसको भी बारीक ज़्यादा ना करिएगा, ऐसी रफली चॉप कर लीजिएगा। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और याद रखिए प्याज को ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का सा गुलाबी करना है। अब इसके अंदर जो हमारे टमाटर हैं कटे हुए और गाजर, वो दोनों मिक्स कर देंगे। अब हल्का सा फ्राई करेंगे दोनों चीज़ों को। अब इसके अंदर हम कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो इस तरह से हैं। आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ डालनी है। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे और फिर इसको चला लेंगे इस तरह से। अब इसके अंदर 3 गिलास पानी ऐड कर देंगे। ये एक बहुत सिंपल मेथड है, इससे आप बहुत ही टेस्टी सूप बना सकते हैं इस मेथड से। अब इसके अंदर हम 8 से 10 लहसुन की कलियां भी डाल देंगे और अब प्रेशर लगा देंगे। प्रेशर कुकर में 1 सीटी आने के बाद इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे। अब 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इस कुकर का ढक्कन खोल देंगे। ये देखिए टमाटर और गाजर हमारी गल चुकी हैं। अब इसको क्या करना है आगे देखते हैं। अब हम इसको छान लेंगे। ये देखिए इस तरह से सारा स्टॉक निकाल लेंगे। ये स्टॉक निकल गया और जो गूदा है उसको मिक्सी में पीस लेंगे और फिर इसको छान लेंगे। ये इस तरह से जितना पल्प है इसका जूस सब निकाल लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के और अच्छे से इसका पल्प निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हमें क्या करना है कि इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये इस तरह से इसको मिला लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर जूस को ट्रांसफ़र कर देंगे और कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और इसलिए उबालेंगे कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। इसमें हमने नमक पहले भी डाला था तो ख्याल रखिएगा। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून शक्कर डालेंगे और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब कम से कम 5 मिनट तक के लिए और पकाएंगे। ये देखिए हम लोग का सूप पूरा तैयार हो गया है, पर अभी भी थोड़ा सा पतला लग रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना है, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को ऐड कर देंगे। ये इस तरह से, इससे जो सूप है वो थिक हो जाएगा और अच्छे से चलाएंगे। ये देखिए अभी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हमें 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम भी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
सूप हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको 2 मिनट के लिए और पकाएंगे और फिर इसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम सूप में डालने के लिए एक मेन इंग्रेडिएंट्स होता है जिसे क्रूटन्स कहते हैं। आइए देखते हैं उसको कैसे बनाते हैं। सिर्फ आप स्लाइस ले लीजिए ब्रेड के और इसको छोटे छोटे पीस में काट लीजिए। ये बाज़ार में भी रेडीमेड मिलता है, चाहे तो आप उसको भी ख़रीद सकते हैं। ये इस तरह से। अब इसको हमने एक फ्राई पैन लिया, उसमें बटर डाल दिया और उसमें ये जो क्रूटन्स हैं ये इसको हम फ्राई कर लेंगे। और इतना फ्राई करना है कि वो गोल्डन हो जाएं और क्रिस्पी हो जाएं। ये देखिए इस तरह से। ये बहुत इजी मेथड है, आप लोग घर में भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ये इस तरह से ये सूप में बहुत ही अच्छे लगते हैं। बस अब सर्व कर लेंगे। अब हमने अपना टमाटो सूप बाउल के अंदर डाला और इसके अंदर क्रूटन्स को डाल देंगे और क्रीम चाहे तो आप डाल लें। अगर आप क्रीम नहीं पसंद करते तो मत डालिएगा, नॉट नेसेसरी। और इसमें काली मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट सूप तैयार हुआ है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और इन्जॉय करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।